तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो आपने कल मैंने जैसे कि बताया कि हमने चॉपर में जो टायर थे वो फिट कर ही दिए थे। अब इसमें बारी है यू पाई फिट करने की। तो आज हम इसमें यू पाई फिट करने वाले हैं। तो इसमें यू पाई फिट करने वाले हैं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम यू पाई इसमें कैसे कैसे फिट करेंगे और क्या क्या दिक्कत आएगी। वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको मिलते हैं। चलिए, इससे पहले हम व्लॉग को स्टार्ट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 5 मिनट के बेल को भी प्रेस कर लेना। चलिए चलते हैं, आज का काम हम शुरू करते हैं और फिर आपको आगे आगे दिखाता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं। तो फाइनली हमने छत को तो खोल दिया है, अब उसको फिट कैसे करेंगे वो भी देखना है। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है अंदर लगाने की, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या। पहले छत को खोल दिया, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। इसमें जो लगाने की दिक्कत बता रहा था वो ये है। देखो, इसमें ये पहले से कंपनी वालों ने ये ऐसे दे रखे हैं इसमें, यहाँ पे। अब इसके अंदर वो यू पाइप आएगा नहीं, तो इसके लिए हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने अपना एक साइड का बोनट ये खोल के रख दिया, और अब अगला मेरा दोस्त ये फ्रेंड है जो ये खोल रहा है अगली साइड का बोनट। उसके बाद हमने दोनों बोनट उतार के यहाँ पर दोनों बोनट उतार ही दिए थे। उसके बाद वो दोनों बोनट उतार के यहाँ पर रख दिए। अब इस दोनों बोनट खोलने के बाद अब बारी थी जो कि डीजल टैंक खोलने की। तो उसके बाद उसमें भी बड़ी मेहनत लगने वाली है। उसके बाद हम ये खोलने वाले हैं डीजल टैंक। उसके बाद हमने डीजल टैंक खोल के रख दिया था। उसके बाद जो हमारा ट्रैक्टर का लुक आ रहा था भाई, कैसा ही लग रहा था। कुछ मतलब कुछ पूरा बेकार ट्रैक्टर लग रहा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं लग रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं, खोलना तो था ही। उसके बाद लेकर हम आते हैं यू पाइप और देखते हैं कि आखिर ये कैसे फिट होगा। उसके बाद देखा कि ये जो इसकी पत्ती है वो इसको लगने नहीं दे रही थी। उसके बाद हम दोनों साइड की पत्ती कटा देते हैं। उसके बाद इनके पास ड्रिल मशीन थी नहीं, तो हमको होल जो हमारे वो मैच नहीं आ रहे थे, हमको अलग से होल करवाने पड़े। तो इसकी वेल्डिंग की मदद से हमने होल करवा दिए थे इसमें। तो फाइनली बड़ी ही मेहनत और बहुत ही ज़्यादा दिमाग और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद, टाइम तो क्या है वेस्ट, उसके बाद जाके हमारा ये यू पाई फाइनली, जो हमारा यू पाइप है फोकस क्यों नहीं हो रहा भाई, फोकस हो जा। तो फाइनली हमारा यू पाइप जो है वो फिट हो ही गया है। इसको लगाने में भाई हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इसमें जो फिटिंग था वो आ ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये यू पाइप की फिटिंग आई है। तो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे इसको फिट किया है, क्या फिट तो क्या है। फिर हमको बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हो, ये इस साइड की पत्ती तो हमने नहीं काटी, पीछे साइड की पत्ती इसको काटा ताकि इससे आगे सपोर्ट मिले इसको। और उसके बाद ये यू फाइव फिट आया है, और अभी तो इसको सपोर्ट और ज़्यादा देना बाकी। अभी टेम्परेली काम किया है इसमें, जो था वो ही किया है। उसके बाद इसको और ज़्यादा इसमें जो पत्तियाँ वेल्ड करवा के इसमें सपोर्ट देना अभी बाकी है। तो वो भी हम थोड़े दिन बाद करने वाले हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आराम से चल रहा है और कोई भी परेशानी नहीं है। तो कैसा लगा ये आपको व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और अब इसमें हम जो कैनोपी है वो फिट करने वाले हैं, उसका व्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जब तक के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 5 मिनट मिल को भी प्रेस करना। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।